एक बार में फरक में तो पानी में छिसका दिया। हाँ छिसका तो फाइनली दोस्तों पूजा संपन्न हो गया। ज्योति को देखिए, ज्योति बोल रही है कि चलो धन्य चलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक है और आप सभी का स्वागत है ज्योति गोविंद ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी पूजा पाठ हो गया और अब चलते हैं गाड़ी का पूजा कराने। माता रानी का पूजा कर लिए हमने। कहाँ गए मिथुन भैया, कहाँ गए? मिथुन भैया कहाँ गए? खुद का आ गए। दोस्तों अभी अंदर माता रानी का पूजा कर लिए और गाड़ी का पूजा करने के लिए फिर से आए आप। पंडित जी भगवान यार पंडित जी गजब हाल। भाभी कैसा लगा? अच्छा लगा। मैं बेचारी धूप में एकदम हो गई, सूख गई है ना, तेज धूप लग रहा है कि भीड़ तो अभी कम हो गया है ना भाभी। बोलेंगे लोग कहा कि उनसे तो बातें नहीं की ज्योति। क्या भाभी कैसा लगा? तो अभी शुरू होने जा रहा है हमारी धनों का पूजा और पंडित जी को पता है हम 15-20 मिनट से ढूंढ ढूंढ के परेशान है। लास्ट में ये पंडित जी मिले, जो पंडित जी गाड़ी लगवाया हमारा वो पता नहीं कहाँ चले गए, ढूंढते रह गए, वो नहीं मिले तो दूसरे पंडित जी को पकड़ के लाए हम। और अभी पूजा शुरू कराने जा रहे हैं तो ये देखिए पंडित जी हमको नारियल पकड़ा के कुछ संकल्प, वो क्या कहते हैं मंत्र का उच्चारण होता है ना, तो वो करवा रहे थे और बाकी अगरबत्ती जला के दिए। उसके बाद बोले हमको ये परिक्रमा करने के लिए 5 बार अपनी धनों का। तो अभी हम परिक्रमा करेंगे। एक बार में फरक में तो पानी में छिसका दिया। हाँ छिसका छिसका जियो एक बार में फोड़ दे नहीं हम जब एक बार हमने तो फोड़ते राजा ली भाभी। एक सौ एक रुपया दी जब भी बोले तब भी आए हैं, कभी मना कर।
बहुत ही है, बहुत इंतजार करवाते हैं आने में। नहीं पहले आ गए थे लेकिन जाम इतना था, बाइक निकालने में इतना दिक्कत होगा, कार निकालने में कितना दिक्कत होता। चोरी चोरी चुपके चुपके शूट हो रहा है, सभी लोग गोल लाग लो। इसका नाम क्या रखोगे? धन्नो। नाम नामकरण हो गया पहला ही हमारा तो हो गया है। बाइक का मेरे पारो पारो धन्नो। अब कार का रखे थे कुछ, कार का भी नाम याद नहीं आ रहा है। देखिए बस तो फाइनली दोस्तों पूजा संपन्न हो गया। ज्योति को देखिए, ज्योति बोल रही है कि चलो धन्नो चलो। चलिए जो भी प्रसाद है वो ले लेते हैं। है ज्योति नींबू होगा इस पे? हाँ नींबू दीजिए इसको। तो अभी मिथुन भी है चक्के के नीचे नींबू रख रहा है और मिथुन भी आगे शुभ हाथों से इस गाड़ी को चलाइए। शुभ उद्घाटन नेक दीजिए नेक। आए पहले सिंगल वही ना पहले हटा देने। और भैया को देखिए, भैया रसम करवा रहे हैं नींबू खोलने वाला। भैया नेक मांगी है रसम दीजिए भैया, एक से खिंचवा लिया चलो जो एक से एक ना भैया, वो पूजा कराई अलग देनी है 200। दोस्तों देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी बाइक पूजा होने के बाद, और ज्योति को बैठाया वहाँ थोड़ा सा आराम करने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हरासमेंट हो गया ना उसको, उसका थायराइड बढ़ जाएगा, थायराइड बढ़ जाएगा तुम्हारा। चलिए यहाँ और गर्मी है, चलते हैं कहीं एकांत जगह, वहाँ चल कर रुकते हैं थोड़ी देर, दूध खिलाते पिलाते हैं और 12 बजे। दोस्तों मिथुन भैया को जाना है गाड़ी सर्विस कराने, तो इसीलिए रुक नहीं रहा है। तो जल्दी जल्दी में दोस्तों हम मिठाई लेके आए हैं। मिठाई क्या जरूरत है बताओ, ले लीजिए खा लीजिए। और लो का सब लोग खा लो, आइए यहीं रहा है। दोस्तों अभी पूजा पाठ हो गया और पूजा पाठ होने के बाद मिथुन भैया को जल्दी था जाने का, क्योंकि उनका गाड़ी सर्विसिंग कराए, कल उनको कहीं निकलना है, तो हम उनको छोड़ दिए। तो भी मिठाई वगैरह, मिठाई और पेप्सी थम्सअप वगैरह खरीद के दे दिए, क्योंकि साथ में खाते तो और भी मज़ा आता, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। है ना ज्योति? तो हम लोग भी अब चल रहे हैं क्योंकि दुकान लगाना है हमको 2 बजे से। चलिए यहाँ से चलते हैं और एक बार प्यार से बोलिए जय माता दी, बोलिए जय माता दी। तो चलिए शेरावाली का नाम लेके और यहाँ से चलते हैं। अभी हम लोग पहुँच गए घर, ज्योति का हालत ख़राब हो गया होगा मुझे पता है, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ इससे बर्दाश्त होता नहीं है हल्ला गुल्ला। परी बांसुरी बजा रही है, बांसुरी कर दो आइए मेले से। और हमारी धन्नो यहाँ पे आके खड़ी हो गई। और सबसे ज़्यादा खुशी हुआ ना कि और दोस्तों सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई ना कि सब कोई था वहाँ पे, आप लोग थे, मिथुन भैया थे, काजल दी थी, सुनील भैया, नगांती भाभी, सभी लोग थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा पूजा पाठ में, नहीं तो हम लोग अकेले होते तो बोरिंग लगता था ज्योति, मतलब उतना अच्छा नहीं लगता। वो लोग थे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और खुशी इस बात की हुई ना, सबसे ज़्यादा खुश हम उस समय हुए जब मिथुन भैया मतलब टायर के नीचे वो नींबू रखा जाता है ना, फिर गाड़ी आगे बढ़ा जाता है।
पूछ रहे थे कि नाम क्या रखे हो बाइक का, उनके बाइक का नाम पारो, पारो है। हमें नहीं पता था, आज ही पता चला कि उनके बाइक का नाम पारो है। हम लोग के धन्नो पारो धन्नो। इतना अच्छा नींबू दोनों साइड रख के इनसे चलो आएगा। बहुत ही अच्छा लगा, वो अपना कीमती समय निकाल के आए और हमारे पूजा में सम्मिलित हुए। उनके लिए ही आज गए लोग। हाँ, क्योंकि कल हमें पता था कि आज बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। हाँ, बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है थारे माता मंदिर। बहुत से लोग आते हैं, बाहर ओहर सबसे लोग आते हैं। इतना ज्यादा भीड़ हम लोग जब देखे ना, अभी रास्ते में ही थे जब मंदिर के मेन गेट थे, तो वहीं भीड़ देखे तो हम लोगों को समझ में आ गया कि बहुत ही ज्यादा भीड़ होने वाला है। अंदर अंदर मंदिर के अंदर नहीं जा पाते, नहीं तो अभी नहीं आ पाते। इसमें लोग धस रहे थे लोग दोस्तों, हम जाते तो मेरा तबीयत खराब। ऐसा ही देखिए ना, सब फूल गया है, चेहरा हाथ गोड़ बिछिया फल गया है। तो हम लोग बाहर से ही पूजा कर लिए। रही बात माता रानी का दर्शन का, तो कभी खाली समय में जाके दर्शन करेंगे भी और कराएंगे भी। और अगर दर्शन करना है जो लोग नहीं किए हैं, तो हमारे बहुत पहले का एक ब्लॉग है, हम लोग थावे गए थे हमारे फोर्थ मैरिज एनिवर्सरी के। अच्छा, वो दूसरे चैनल का। तो चलिए, नेक्स्ट बार जब भी जाएंगे ना, तो इत्मीनान से आप सभी को हम दर्शन करवाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग खाना पीना खाएंगे और उसके बाद हम तुरंत अपना दुकान लेकर चलेंगे। और आप सभी को भी तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। हाँ, आप सब हमारे, जो भी हो रहा है हमारे जीवन में, जो भी चेंजेस हो रहा है, इसके पीछे आप सभी का बहुत बड़ा सपोर्ट है और प्यार आशीर्वाद है, जिसकी वजह से हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। और ना दोस्तों, हेलमेट के लिए आप लोग कह रहे हैं, तो जितना भी पैसा था हम लोगों के पास, जितना पैसा था, 1 रुपया कहा जाता है पर ही नहीं, सब हम लोग बाइक में जमा कर दिए, पूरा पैसा खर्च हो चुका है। ये आज पूजा भी कराए ना, तो इधर 2 दिन दुकान हम चलाए, तब जाके आज पूजा करा पाए हम, और फिर सारा पैसा खर्चा हो गया। इसीलिए आज नहीं तो इतना हरासमेंट है ना। सुबह सुबह कितने बजे उठे हैं ज्योति? 3:30 बजे के उठे हैं ना, 3:30 बजे को उठे हैं। इतना हरासमेंट है कि दुकान में नहीं, 3:30 नहीं 4:30 बजे 4:30 बजे के उठे हैं रात में। मोमो 4:30 बजे थोड़ी उठे थे पागल, तुम टाइम दिया नहीं। जो 3:30 बजे उठे थे, 1 घंटा मोमोज बनाए थे हम लोग, तुम बताई थी 4:30 बजे। तो अभी चटनी नहीं बनाया, चटनी जाएंगे बनाएंगे, जब तक खाना खाएंगे चटनी रेडी हो जाएगा, फिर तुरंत दुकान लेके चले जाएंगे। तो चलिए, ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री राम।